हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने अगले वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई हूं। तो चलिए फटाफट से जानते हैं आज इस सेशन में हम किस बारे में बात करेंगे। पर उसे जानने से पहले बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप यू विल बी रिमेन हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए अब बताती हूँ कि इस सेशन में मैं किस बारे में डिस्कस करूँगी। तो जैसा कि पिछले वीडियोज़ में हम प्यूबर्टी पीरियड के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बातें करते चले आ रहे हैं, तो आज जिस कैरेक्टरिस्टिक की बात मैं करूंगी उसका टाइटल है कि प्यूबर्टी इज अ नेगेटिव फेस। तो ये जो प्यूबर्टी की कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी हेल्पफुल टू नो अबाउट द चिल्ड्रन कि इस पीरियड में दौरान बच्चे जो हैं किस तरह के नेगेटिव फेस से गुजरते हैं या क्या उसका क्यों इतना इम्पोर्टेंस होता है। तो आई होप दैट विल बी गेट गुड इन्फॉर्मेशन विद दिस वीडियो। सो प्लीज बी रिमेन इन द सेशन टिल द एंड। And one thing more, if you haven't subscribed my channel till yet, please subscribe it to get these kind of wonderful videos, educative videos later on also. So let us begin with the session. Puberty is a negative phase. तो सबसे अगर हम शुरू करते हैं उससे पहले हम बताते हैं कि कुछ सालों पहले, काफ़ी सालों पहले शैरोलेट बुलर ने ये लेबल किया था कि प्यूबर्टी जो है वो नेगेटिव फेज है। अब अगर हम बात करें कि व्हाट इज द नेगेटिव फेज, तो वहाँ पे हमको जानने की जरूरत है व्हाट इज इम्प्लाइड बाय द फेज ओवर हियर एंड नेगेटिव ओवर हियर। तो अगर हम टर्म फेज की इसमें बात करें तो इट सजेस्ट दैट अ पीरियड ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन। तो जैसा कि हम प्यूबर्टी पीरियड को जानते हैं कि लाइफ स्पैन के अदर जो भी हम कह सकते हैं डेवलपमेंटल पीरियड्स स्टेजेस होते हैं उसमें जो प्यूबर्टी पीरियड होता है दैट इज कम्स फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, शॉर्ट ड्यूरेशन। तो यहाँ पे फेज का वही हम सजेशन मान सकते हैं कि इट मीन्स कि प्यूबर्टी इज द कम्स फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और अगर शॉर्ट पीरियड ऑफ ड्यूरेशन के लिए आता है। अगर हम यहाँ पे नेगेटिव की बात करें तो इट सजेस्ट दैट द इंडिविजुअल टेक्स एन एंटी एटीट्यूड टुवर्ड लाइफ और सीम्स टू बी लूजिंग सम ऑफ द गुड क्वालिटीज प्रीवियसली डेवलप्ड। तो यहाँ पे जो नेगेटिव की बात है तो वहाँ पे हम उस चीज़ को एंटी के रूप में ले सकते हैं, एंटी एटीट्यूड के रूप में ले सकते हैं जो कि बच्चों के अंदर लाइफ के प्रति और देखने को मिलती है और जो वो गुड क्वालिटीज़ जो उनके अंदर जो वो प्रीवियसली गेन किए हुए रहते हैं, डेवलप किए हुए रहते हैं, इस फेज के दौरान, इस पीरियड के दौरान वो हमें दिखता है कि वो लूज करते चले जा रहे हैं। एंड देयर इज एविडेंस दैट नेगेटिव एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर आर कैरेक्टरिस्टिक मेनली ऑफ द अर्ली पार्ट ऑफ प्यूबर्टी and the worst of the negative phase is over when the individual becomes sexually mature. तो यहाँ ये भी एविडेंस देखा गया है कि जो ये नेगेटिव एटीट्यूड्स होता है और जो बिहेवियर होता है वो मेनली ये इस तरह का कैरेक्टरिस्टिक प्यूबर्टी के अर्ली फेज में, अर्ली पार्ट में ज़्यादा देखने को मिलता है। और And that the worst of the negative phase is over, और जो इसका worst part होता है वो over हो जाता है when the individual becomes sexually mature. जब कोई भी बच्चा या individual sexually mature हो जाता है तो ये negative phase जो है वो जो है over हो जाता है। And there is also evidence that the behavior characteristic of the negative phase of puberty is more pronounced in girls than in boys. और जो ये भी evidence पाया गया है कि जो भी ये बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक होता है नेगेटिव फेज का, ये प्यूबर्टी के नेगेटिव फेज का जो भी बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक होता है वो ज़्यादा गर्ल्स में पाया जाता है, प्रोनाउंस्ड होता है एज कंपेयर टू द बॉयज। तो इस तरह से हम जान पाए कि ये जो फेज होता है इट्स वेरी क्रूशियल एंड इट कम्स विद द नेगेटिव फेज, जहाँ पे बच्चे जो हैं बहुत एंटी एटीट्यूड्स डेवलप कर जाते हैं अपने लाइफ के प्रति और साथ ही साथ उनके बिहेवियर प्रॉब्लम्स या फिर जो उनके अंदर गुड क्वालिटीज़ हैं वो भी वो धीरे धीरे थोड़ा लूज करने लग जाते हैं। तो इस तरह की कुछ नेगेटिव और एंटी एटीट्यूड्स उनके अंदर बिकॉज ऑफ हम कह सकते हैं कि ये बहुत कम समय में बहुत ड्रास्टिक चेंज लेके आता है इंटरनली और एक्सटर्नली टू द पर्सन, तो इस वजह से क्या होता है कि वो कोप अप कर नहीं पाते हैं, उस चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, तो इस कारण से कुछ नेगेटिव एटीट्यूड्स उनके अंदर डेवलप हो जाते हैं। तो हमें इस चीज़ को समझना चाहिए एज अ पेरेंट्स, एज अ गार्जियन, एज अ टीचर, एज अ ह्यूमन बीइंग, जिससे कि हम इस फेज़ में उनको सपोर्ट कर सकें और इस फेज़ से उनको अच्छे से कोप अप होने में उनकी हेल्प कर सकें और उनको अपनी लाइफ के साथ एडजस्टमेंट बनाने में हेल्प कर सकें। तो आई थिंक दैट विल गेट गुड इन्फॉर्मेशन विद दिस video. If you like it, please give a like, and still if you haven't subscribed my channel, please subscribe it, and thank you very much for watching this video. I will come back with my next video. Till then, please take good care of yourself. Bye bye.